यस ओके राइट ऐसे ही रिकॉर्ड आता है कुछ भेज देता है। यस ओके गाइस नाउ पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। सी हमने ज्यादातर क्वेश्चन कर लिए तो तुम लोग आ भी गए थे, ऐसी बात नहीं कि तुम नहीं आ रहे, तुमसे हो रहे हैं क्वेश्चन, जो नहीं आता मैंने समझा दिया। अब ये देखो बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ये कर लिया था तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया, हाँ सर कर सर लिया, कर लिया 13 नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, कर 13। लिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ देखो सर। इफ यू कैन, अगर मेरे को इसका सही आंसर दे तो तब देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाओ मेरे को करके जरा जल्दी, सिंप्लीफाई करना है। मैट लेट मी सी, तुम बोल सर रहे हो आप सर कुछ ओपन छोड़ करना दो। तभी भेजेंगे सर, आपके नोट्स में भी हाँ है, मैंने नोट्स सर पढ़ा बाद है में सर, ओपन ओपन मैंने करना अभी थोड़ी लाइन है। ही, पहले मैं लाइन भेजूंगा उसके बाद ही भेजना भैया प्लीज। देखो यार मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स में कहाँ कमी हो सकती है, उसको मुझे दूर करना है भाई। आई थिंक बहुत कम लोगों का आंसर सही आने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ। देखता हूँ किसका सही आता है। अरे माइनस का साइन है ना सर, इसमें माइनस भी है ना। हाँ देखो दोस्तों पहला वाला साइन डिवीजन का है, डिवाइड है, मैं बड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा, और दूसरा वाला साइन माइनस है। यू कैन सी नाउ अनुभव, इट इज क्लियर ना? इट इज क्लियर ओके सर, कुड बी सर। नहीं डोंट डोंट सेंड इट नाउ, डोंट सेंड इट नाउ प्लीज होल्ड इट। आई नो तुमने कर रखा है श्रेष, बट तुम्हें भी अपनी गलतियों का पता चलेगा। श्रेयांश एक बार नजर मार लेना सब है क्लास में। सर ए टू जेड सब ओके गुड ग्रेट योग्या, है, कोई ओके डाउट हो यस तो मेरे से पूछ लेना बच्चे, कोशिश सर, करो जल्दी 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 करने की फास्ट, यस सर। इसलिए मैं ज्यादा वर्किंग, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि तुमने कुछ किया तो है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मॉडल आंसर। हाँ वेदांग, वेदांग का शायद हो जाएगा सही। नोटबुक खोल रहा हूँ, नोटबुक ना, चलो 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 जल्दी करो। सर अनुभव अपनी ने लाइन तो कहाँ आंसर भेजी ही है? दिया, आई एम अनुभव ने राइटिंग द तो क्वेश्चन आंसर ऑन ही द दे, बोर्ड गाइस, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड आई रिमूव द दिस थिंग। लाइन अभी भेजी नहीं है, डोंट सेंड द आंसर प्लीज। अनुभव ने तो आंसर दे दिया सर, आपको अब अनुभव का कंसिडर नहीं पहले होगा, बोला कंसिडर दिया था कि आप होगा सर आप लाइन भी क्या भेजो दे बोला? सर, आप कभी कभी लाइन भेजते नहीं हो, आप फिर नहीं उसके नहीं बाद मैंने बोला कि और मैं बाद में लाइन रिप्लाई भेजूंगा, करते। आई सेड आई विल सेंड अ लाइन आफ्टर अनुभव दैट ओनली। सर पूछ लो, नहीं यू कैन आस्क भेजते, एवरीवन। नहीं सर आप यस कभी कभी नो भेजते नहीं हो नो ना। नो आई जस्ट सेड 2 मिनट्स बैक कि आई विल सेंड द लाइन। हाँ अनुभव सर ने कहा अच्छा था, सर मैंने सुना नहीं होगा सर, इतने सारे लोग बीच बीच में बोल रहे थे, मैंने शायद नहीं सुना कोई नहीं नहीं होगा। बोला था उस वक्त। तुम कहानी मत घुमाओ। दादी ओह राघव बाबा आ गए, सर राघव आपने बाबा की प्रेजेंट जय। प्रेजेंटेशन बंद कर दी। राघव महाराजा राघव जी, मैं आपके क्वेश्चन लिए क्वेश्चन रोल्स रॉयस क्वेश्चन में दिखा मेरे बोर्ड पे करके दिखा मेरे को जल्दी। राघव राघव ओके सर प्लीज साइन दे दो। राघव महाराज रॉयल्स रॉयल्स ओए सर क्वाइट सुरेश। हाँ भाई 1 मिनट, ये रुपी कहाँ से आ गया भाई? अनुभव क्वेश्चन नंबर 13 करना था, ये बोर्ड पे लिखा है। ट्वेल्थ कर दिया, सॉरी 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 पता नहीं कौन सर सा कह रहा है वर्ड तूने आज कुछ, आज तूने कुछ पैक पैक लगा लिए क्या पापा की बोतल निकाल के? काम अरे सर तो क्या तुम जी कर रहे, मतलब, मतलब यही है क्वेश्चन कुछ और भेज रहे, फिर बोला लाइन नहीं भेजी, अरे फिर बोला सर सर मैंने पानी ना दो, 12 समझ लिया, मैंने 12 समझ लिया और बस। क्वेश्चन भी गलत भेज रहा है। अब अनुभव तभी भेजना जब सर लाइन भेज दे। सर आपने ओके 1.004 लिखा है सर, आई थिंक इट इज 1.004 ओनली, एम आई रॉन्ग? जब आप कैमरा के या वन सही है पॉइंट जीरो सामने जीरो से फोर हट वन जाते पॉइंट हो जीरो ना, जीरो तो आपके फोर वो पॉइंट्स दिखने लगते हैं, और जब जी आप सर आते हो करेक्ट। तो पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। से वो अगेन वन से अगेन, पॉइंट योग्या जीरो योग्या जीरो से फोर अगेन। सर जब आप कैमरा से हट जाते हो तो जो डिविजन और पॉइंट है डेसिमल का वो दिखने लगते हैं, और जब आप कैमरा में आ जाते हो तो वो नहीं दिखते हैं। तो अभी दिख रहा है कि नहीं? तो नहीं दिख रहा सर, वो डिवीजन के ब्लिंक पॉइंट ब्लिंक हो डार्क रहा कर है, दो। अच्छा ब्लिंक हो रहा है सर। वो इसलिए होता होगा ना कि मेरी स्क्रीन अब बिल्कुल एक ऑन मिनट नहीं। सर, आई थिंक टू सर के जगह डिवाइडेड बाय टू के जगह वन था ना, नहीं, नहीं द नहीं क्वेश्चन था इज, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन प्लीज। 2.34 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.004, दिस इज द टोटल क्वेश्चन। ओके आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव डन इट बाय नाउ।
आई एम सेंडिंग द लाइन प्लीज पुश ओनली आफ्टर द लाइन सर सर कर दो सर कर दो नहीं सर प्लीज नहीं छोटा सा क्वेश्चन है यशस्वी सर कर दो ओके यशस्वी आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स इतना इजी क्वेश्चन सर 10 सेकंड्स आपका 10 सेकंड 20 में बदल जाता है यस सर आप 0.5 ऐड कर देते हैं फिर अगर आप 0.5 सर आपने मेरी कॉल यार बच्चे तो अपने ही है सारे सब बच्चे अपने ही है ऐसे किसी को कुछ नहीं बच रही है यशस्वी आर यू रेडी नाउ नो नहीं सर तो कर लेना योग्या सर मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ सर नेटवर्क स्पीड अच्छी है ओ सर मेरा स्ट्रेस को बिल्कुल एक मिलीसेकंड का फर्क नहीं दोनों का बड़े बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं किसी का कुछ आंसर आया किसी का कुछ आंसर आया किसी का कुछ आंसर आया मैंने भी सर नहीं देखा लाइन की सबका सेम है सर मैंने लाइन नहीं देखी सर मैंने भी नहीं मेरा स्ट्रेस का डिटो सेम टाइमिंग पे आया है मेरा स्ट्रेस ओके 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 गाइस नाउ लाफ प्लीज लिसन टू मी एक एक बहुत मशहूर बाबा हुए उनका नाम है बाबा बोडमास बाबा बोडमास ने सभी सभी बाबा बोडमास ने अपने सभी जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा दी थी कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डीवी फिर मल्टी फिर आरडी एड एंड फिर सब्ट्रैक्ट करना भैया बच्चों सुन लो मेरी बात ऐसे बोला बाबा ने तो पहले डिवीजन करना है तो पहले डिवीजन करो 2.34 डिवाइडेड बाय 2 सो डायरेक्टली कर सकते हो 100 लगाना तो 100 लगाना 1.17 डायरेक्टली कर रहा हूँ ठीक है सो 2 1 2 जैसे डेसिमल आया डेसिमल लगा दिया 2 1 2 तो मेरे पास आ गया 1.17 -1000 4 0.16 नाउ देखो 1.17 और 1.004 में थोड़ी प्रॉब्लम है दे आर नॉट लाइक डेसिमल जीरो लगा दो आगे मुझे लाइक डेसिमल के लिए जीरो लगानी पड़ेगी जीरो लगा दो ओके अब माइनस कर रहा हूँ 10 में से 4 माइनस किया तो बचा 6 यहां रह गया 6 6 माइनस 0 इज 6 ओके यहां बचा 1 और ये बहुत इजी लेट मी सी किस किस के लिए क्लैपिंग होने वाली है मुझे पता नहीं कितना टाइम क्यों लगा ओके ये श्रेयस मनोज अनुभव शुक्ला मदीहा सिद्धार्थ एंड नियति टॉप 5 कुछ लोगों ने गूगल से दिखाओ सब लोग दिखा दो किस किस पे शक है बताओ सर बता दिया जब तक मैं सेंड करने वाला था वेदांत तो ना सेंड किया क्यों नहीं फिर करना पड़ता है वेदांत चल जम्बर जी भेजो हाँ दिखा दिखा सर आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया पर ये देखो ये तो आंसर जो भेजना आंसर जो भेजना ओके आई कैन सी श्रेयस मनोज सर मैं दिखाओ कोई बात सर मैं आपको भेज दूंगी सर मैं कॉपी नहीं सर मैं कॉपी चाहूं तो लिख सकता हूं बट सर मैं कॉपी सर योग्य आपको सर चेक कर रहा है मुझे हटा ले श्रेयस मनोज जल्दी यस सर तुम पे शक की सुई जा रही है भाई दिखाओ जरा एक बार मध्यान दिखा रही है अभी हाँ ठीक ओके चलो मैं भरोसा कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स पे मुझे पता है किसी ने चीटिंग नहीं करी होगी यू आर ऑल गुड गुड पीपल यू डोंट चीट ओके यू शुड नॉट चीट जो चीट करने का फायदा हाँ मधी एक बार योग्य देख लो प्लीज ओके 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 देख लूंगा सर एक एक घटिया घटिया रिएक्शंस बना रहा कोई बात नहीं रिएक्शन रिएक्शन मत बनाओ ओके यशस्वी ओके शो मी जल्दी तुम्हारा नेटवर्क बहुत वीक है बालक बालक हाँ 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 बालिका ठीक है करेक्ट है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है यार यशस्वी ने बहुत अच्छा आंसर दिया यार वेल डन यशस्वी योग्या भाई तू भी दिखा दे सब लोग की पॉपुलर डिमांड है आम जनता की डिमांड है वर्किंग दिखा योग्या वर्किंग दिखा योग्या ये तो गायब ही हो गई इसने कैमरा भी ऑफ कर दिया लगता है अभी भी करना शुरू किया है अभी चुप बैठी हुई है हां ठीक है वही तो
राइट गाइस, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी. ओके या ओके. सी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एवरीवन सी. किरण बॉट इतना राइस, इतना बाजरा, इतना चना, सारा मार्केट ही खरीद लिया इसने तो. फाइंड द टोटल वेट ऑफ द थिंग्स बॉट. ओके गाइस आई एम वेटिंग, बट नोबडी विल पोस्ट विदाउट द लाइन. यस सर. सर आप ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 चैट बॉक्स में लिख रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा हो रहा है कि हम लोग ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं. बहुत अच्छा हो रहा है, ये मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, थोड़ा चैलेंज हो रहा है. अरे क्वेश्चंस तो हमने कल भी किए थे. ये क्वेश्चन थोड़ी किए पागल. सर ये क्वेश्चन हमने कल किया था. ये क्वेश्चन कहाँ किया? अरे ये क्वेश्चन थोड़ी ना करे थे कल. ये वाले क्वेश्चन कहाँ किया था? ये कब किया था? हमने 12th तक किया था. 30 नहीं किए. अनुभव आयल कंसीडर योर बैक बट डोंट सेंड. ओके राघव कहाँ है? राघव ओके सर हमने डरा दिया. राघव तुम कहाँ चुके हो? तुम भाई साहब राघव आंसर देना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा खेल बंद कर दूंगा. मैं शाम को 4 बजे बुला लिया करूंगा तुम्हें घर पे मैं अपने, और 9 बजे तक यहीं बैठना तुमने फिर पढ़ाई करने के लिए. इजी पाला से पता नहीं क्या टाइप के लग रहा है, कोई ऑडिशन ही तो. सर 0.5 और 500 तो सर सेम होगा ना सर? कौन सा फिर 0.5 और 500 सेम होगा ना? क्वेश्चन 14 कहता है राइस कितना लिया मैडम ने? राइस मैडम ने लिया 24 केजी एंड 350 ग्राम्स. तो 350 मतलब 24.350. जो भी आपका 350 है उसको 1000 से हमें डिवाइड करना होता है, तो 3 दशमलव लग जाएंगे, ये हो जाएगा राइस. उसके बाद आ गया बाजरा. बाजरा मुझे पता नहीं कितने लोगों ने खाया है लाइफ में. सर बाजरा तो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लगता है. सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाजरा. मैंने खाया है, मम्मी रोटी के फॉर्म में बनाती है बाजरा. बहुत अच्छा लगता है. एंड देन चना. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. चना है 11 केजी एंड 300 ग्राम्स. ओके दोस्तों लुक हियर, सो 0, 5, 5, 10 कैरी 1, 6, 7, 15 कैरी 1, 10, 11 कैरी 1 एंड देन 1 हो गया इधर 3, 3 एंड 4, 7 एंड 8 81.5 केजी. ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते, बोथ द आंसर सर करेक्ट. मैं देख रहा हूँ किस किस का आंसर नहीं आया. इतना हल्का क्वेश्चन था, इतना मरा हुआ क्वेश्चन था, इसके अंदर जान नहीं लगा. इतना इजी लगा, इतना अनुभव थोड़ा सा टॉक टाइम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें मेरे को क्लास से निकालना पड़ेगा. सर अनुभव का गलत है सर, क्योंकि उसने वो नहीं डाला वैल्यू. श्रेयांश, श्रेयस कीप कट. ओके अनुभव 11.5 वॉट यूनिट का है. वेदांग करेक्ट, योग्य सिद्धार्थ करेक्ट, श्रेयस मनोज करेक्ट, श्रेयांश राणा करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, यशस्वी वर्मा करेक्ट, मदीहा करेक्ट. ओके सो टॉप 5. अनुभव का तो डिसरिगार्ड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यूनिट नहीं लिखी. 81.5 किलोमीटर तो नहीं कहीं. हाँ जी, तो वेदांग, सिद्धार्थ, श्रेयस, श्रेयांश राणा एंड आयुष मिश्रा. करेक्ट आंसर यशस्वी वर्मा एंड मदिया. ओके अगली बार लाइन इकट्ठी भेजूंगा भैया मैं, मुझे थोड़ा शक हो जाता है. मदिया करेक्ट, आई हैव सीन. राइट गाइस अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जिन लोगों को आता हो तो एक सेकंड में कर देंगे. बोले तो करवाया ही नहीं आपने ठीक से, मतलब ओके जिसको नहीं आता छोड़ दो. मुझे बेसिक्स करा दिए सर. बेसिक्स करा दिए. एक्चुअली क्या होता है इक्विवेलेंट जो बताते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों बेसिक फ्रैक्शन एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. क्वेश्चन नंबर 15 1 क्वेश्चन नंबर 15 इनटू 2 कर दो पार्ट 1. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2 2 से कर दो, एक बार 3 3 से कर दो. मैं ट्रिक भी बता दी अब तो.
बट नो डोंट पोस्ट द आंसर नोबडी पोस्ट द आंसर नोबडी पोस्ट द आंसर मैंने सर दोनों को 2 से कर दिया सर करेक्ट होगा ना नहीं नहीं तो आपको सर प्लीज आप 1 मिनट बाद लाइन भेजना मैं 1 मिनट हां हां रुक जा रुक जा मैं दोनों को 2 से कर दिया श्रेयस मनोज श्रेयस मनोज हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू गिव -6 अपॉन 11 नहीं नहीं आई एम सेइंग हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू गिव सर 2 तो हर एक में 2 नंबर है ना चल तुम सारा आंसर देखेंगे तुम डिस्कशन बाद में करेंगे थोड़ा चुप हो अभी लेट एवरीवन डू इट सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इक्विवेलेंट रेशियो निकालो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल लो ओके तो पहला वाला है -6 अपॉन 11 पहले अभी नहीं कर रहे लाइन आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव इट टूगेदर गो ओके गाइस Now I am giving you one more chance to everyone. Question number. Now we have to do. Sir, B part calls. Part two. Sir, B after part line, present only line. B sir, part present after line. Presenting now. Sir, data बहुत खर्च होता है. 8 upon 15 है. मैं तो board पे भी लिख रखा है. Sir, मैं अपनी seat के आगे थी ही नहीं. तुम कहाँ चले गई फिर आपने स्टॉप कर दिया मम्मा को जाना था मम्मा पापा गए थे मार्केट तो उनके लिए गेट बंद करने गई थी सर ओके कोई बात नहीं तो सेकंड पार्ट तो कर ले बच्चा बंद कर दो रुक जा यशस्वी नो सर अभी तो आई हूं मैं एक मिनट वेट 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 वाइट सर 15 था क्या डिनोमिनेटर वाइट हां 15 डिनोमिनेटर 8 अपॉन 15 है भाई नंबर Okay, I think we can ask for submission now. Next, sir. Please, 8 minutes, sir. Wait, Yashashvi. Yashashvi, wait. Open. Sir, Yashashvi bullet train की तरह भाग रही है. मैं भी भाग रही हूँ ऊपर अभी आई हूँ ना मैं. सर, क्या करूँ? ठीक है, कोई नहीं. अरे कोई नहीं. योग्य देख मैं समझाऊंगा तब समझ में. सर, मेरे को पता ही नहीं था. Now, guys, listen to me. आपको बोल रहा है. Now, ऐसे questions में कहता है. Listen, pay attention. दे से कि भाई टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दे दो 3 दे दो 5 दे दो 10 दे दो जितना मांग रहा दे दो भाई तरीका क्या है कुछ नहीं इस नंबर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा -12 अपॉन 22 एक बार 3 से कर दो अच्छा, क्या आएगा -18 अपॉन 33 एक बार 4 से कर दो क्या आएगा -24 अपॉन 44 एक बार 5 से कर दो दोनों को सर मैंने सर 2 से 2 निकाले अच्छा ऐसे से पर तुम्हारे एक ही नंबर का रिजल्ट आया तो उसमें 2 3 4 देखो दोस्तों जो भी करो yes, जितनी बार भी करना है नंबर ऊपर नीचे एकदम सेम चाहिए अच्छा इसका हो yes, जाएगा करना है 2 से 2 16 अपॉन 30 दिखाओ मेरे को कैसे भेजा तुमने गलत 2 से 2 नहीं निकल सकते नहीं निकल सकते देन 24 अपॉन 45 देन कम्स 32 अपॉन 60 Then comes 40 upon 75. ये numbers हैं। मैं देख लेता हूँ किसका answer ठीक है। तो आप देखो। सुरेश मनोज। कर देख लो। हाँ, आपने किया 8 into 2, तो आपका आ गया 16 upon 30. फिर 16 upon 2 को कर दिया। ठीक है, वो कर लो। पर वैसे समझदारी इसमें कि तो इसी number को 2 से करो। सर marks तो मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे। हटा ले, presentation हटा। Yes, sir. Okay, let me now clap for the people who got given the right answer. Part one के अंदर भैया देखो मदीहा का करेक्ट है यशस्वी का करेक्ट है अनुभव का गोल है नियति का करेक्ट है तो I have with me यशस्वी श्रेयस मनोज यशस्वी नियति मदीहा कहाँ थी मदीहा का भी तो था ऊपर यार श्रेयस मनोज यशस्वी नियति एंड श्रेयांश राणा
सर आप सेकंड पार्ट का बोल रहे हो? नहीं नहीं पहले फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट पर मैं जा रहा हूँ मैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट पार्ट में था राघव, अब तो समझ में आ गया वेदांग? करेक्ट नियति। मैंने, हाँ वेदांग सर मैंने गलती से दूसरे वाले में 5 लिख दिया था, 45 लिखना था। ठीक ओके चलो देख लेते हैं। ओके इधर देखो 16/30 24/45 नियति करेक्ट, अनुभव फिर गोल, सुरेश मनोज करेक्ट, अब समझ में आ गया ना? वेदांग करेक्ट, वेदांग का नाम इंक्लूड नहीं होगा लेकिन क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक इंक्लूड नहीं होती वेदांग, बट आई अंडरस्टूड दैट आपको आता है। यशस्वी एंड श्रेयस राणा। सर नेक्स्ट टाइम आप प्लीज थोड़ा सा रुक कर भेजना। करेक्ट आंसर मदीहा वेदांग। नाउ गाइस लिसन टू मी, अगला क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा चौंकाने वाला है, अगला तुम्हें परेशान करने वाला है। ये मैंने सिखाया था भाई, प्लीज ये मत बोलना कि सिखाया नहीं सर, मैंने सिखाया। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 15 सर मेरा करेक्ट था। हाँ करेक्ट नहीं थी, नाम लिया मैंने सर, मेरा इनकरेक्ट सर। अभी तो आपने 16 है, 15 नहीं 16 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं चैट बॉक्स में करेक्ट कर रहा हूँ अपना, 16 है और मैं लाइन भेजूंगा उसके बाद करना पड़ेगा ना। या यू हैव टू शो दिस ऑन वीडियो सर, आपको मैं 15 एक बार दिखा दूं, यू हैव टू शो दिस ऑन वीडियो। 15 नहीं चाहिए मेरे को श्रियांश, स्टॉप डूइंग दैट। अच्छा नंबर लाइन वाला ठीक है तुम्हें सर, करेक्ट है या फिर नहीं? बस इतना पक्का करेक्ट है, करेक्ट है बट माय एडवाइस करेक्ट है या नहीं सर, एक बार आप चेक कर लीजिए। श्रेयांश करेक्ट है बोल तो रहा हूं, माय एडवाइस इज कि आप सर श्रेयस एक बार श्रेयस एक बार तुमसे कर एक बार थ्री से कर। अरे पता है सर प्रोसेस, श्रेयस अपनी स्क्रीन बंद कर लो प्लीज। हां श्रेयस सर 16 तो आपने करवाया नहीं नंबर लाइन वाला, नंबर लाइन सिखाया था उस दिन अच्छे से सिखाया था, सब लोगों को बड़ा डाउट था, मैंने कहा यही इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तू बोल रहा सर पता क्या चलेगा -2 और -3 के बीच में है, -1 -2 के बीच में। अच्छा हां याद आया, लेकिन सर ने मुझे आपने करवाया था मैं भूल गया। याद है भाई साहब, वीडियो देख लिया भाई, वीडियो देख लिया। अरे अब तो अपने पास इतना बड़ा फायदा है, अपन वीडियो देखने बस, अब तो गड़बड़ी नहीं है, अब तो कुछ नंबर कमाने का चांस ही नहीं है। तो ये याद आ गया आपने करवाया था लेकिन मेथड याद नहीं है, कुछ आपने मल्टीप्लाई को डिवाइड किया था सर मेरे को सर, एक का तो कॉन्फिडेंट हूं लेकिन मैंने उसका नंबर ढंग से लिखा था, दूसरे का तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट। एक मिनट लिसन टू मी, मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, मुझे पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और बहुत लोगों का आने का भी नहीं, ठीक है। So, ऐसा करते हैं अपन सीधे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, गिव मी क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 ऑन ईच पेन ही सेल्स एंड लॉस ऑफ 50% ऑन ईच पेंसिल ही सेल्स, बताओ क्वेश्चन नंबर 17। ये है कुछ जलवेदार क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, सो यू हैव टू गिव मी पार्ट 17 पार्ट 1 फर्स्ट, जस्ट पार्ट 1 पार्ट 1 ओनली। Only part one first. Self control. क्या कह रहा है राघव? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है पार्ट 1। आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो करवाया ही नहीं है। अरे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है ये नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई साहब पेन पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकाल लो और जो लॉस हुआ लॉस निकाल लो और उनको दोनों को ऐड कर दो, लॉस माइनस में होता है प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है। यस सर, सर प्रॉफिट एंड लॉस को मैं ऐड तो नहीं किया था लेकिन सर निकाल जरूर लिया। हां हां ठीक है, मैं खाली क्वेश्चन है शेष वेट, इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस हुआ इन दोनों को ऐड नहीं किया था। सर ये थोड़ा सा आसान है मगर हमें पहले ही करना है ना अभी। हां पहले ही करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। अरे तो मेंटली है, मैंने तो किताब छू भी नहीं। हां जरूरत भी नहीं शेष सर, सर तो स्टार्टिंग में ही अपनी किताब फेंक दी थी नीचे तो नहीं फेंक दी गई ऐसा भी नहीं भैया जब बड़े अबे यार ये तो लास्ट ही क्वेश्चन है,
ओपन कर दो सर, इसका लेना मेरी वाला अनुभव का बिल्कुल मत करना। तीन तीन पेज, तीन तीन है और वो भी तीन तीन पेजों के। अनुभव ऐसे पहुंचे हुए इंसान है, ये पहुंचे फकीर है बहुत ऊंचे दर्जे के, ये बोलेंगे सर मुझे आता नहीं, मैं आईडी के लिख दूं, नहीं नहीं फिर बोलेगा आईडी के लिख दूं, फिर बोलेगा सर आई कैपिटल में लिखूं कि स्मॉल में लिखूं, मैं बोलूंगा यार किसमें भी लिख दे, और सर डी के बारे में क्या इस ख्याल है, डी कैपिटल में लिखूं, अरे सर मैं आज थोड़ी तो बोलूंगा लिखो या सर मतलब कुछ भी, यू आर राइट, थोड़ी तो बोलूंगा तो इसका क्या मतलब है कि सर मुझे आता नहीं मैं आईडी के लिख दूं, अब तो हमें पता है तो आज तो अपने नॉर्मल मोड में सर बिल्कुल सजा सजा से लिखा मैंने क्वेश्चन। राइट ओके गाइस नाउ लिसन टू मी, बहुत आसान था क्वेश्चन, आंसर सबका आ गया। देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टॉप कर रहा हूँ मैं, लुक एट मी नाउ, लुक एट मी नाउ, ओके सी सी वो कह रहा है बंदा कि यार एक शॉपकीपर है, जब वो पेन बेचता है तो उसको एक रुपए का फायदा होता है, और पेंसिल उसने जब खरीदी थी, अब रेट डाउन हो गया है, पेंसिल बेचने 50 पैसे लॉस होता है, उस बंदे ने 50 रुपी 50 पेन बेचे, कितना फायदा हुआ यशस्वी भाई, एक पेन बेचने पे नहीं नहीं यशस्वी, वन पेन इफ ही सेल्स ही गेट्स वन रुपी प्रॉफिट, वन रुपी ही गेट्स, इफ ही सोल्ड 50 पेन हाउ मच प्रॉफिट यशस्वी, ऑल राइट मदीहा, हाउ मच प्रॉफिट, हाँ सर, या हाँ सर, आई एम सेइंग वन पेन बेचने पे उसको वन वन रुपी का प्रॉफिट होता है, और उसने 50 पेन बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, 50 सर, 50 वॉट, 50 लीटर, लीटर नहीं 50 पैसे, 50 पैसे उसको 50 पैसा या फिर हाफ रुपी, हाफ रुपी का लॉस होता है, ओके हाफ रुपी का लॉस होता है उसको, हाफ रुपी का लॉस होता है पेंसिल बेचने पे, और उसने जो टोटल पेंसिल बेची है दैट इज टोटल 30 पेंसिल, नाउ टेल मी 30 पेंसिल, yes, एक पेंसिल पे इसको हाफ रुपी का लॉस हुआ, तो 30 पेंसिल पे कितना लॉस होगा सिद्धार्थ, सर मैं बताऊं सर 15 क्योंकि 30 का हाफ 15 होता है, 15 रुपीस के 15 किलोमीटर, 15 रुपीस बीच में, ओके या मुझे पता, सिद्धार्थ सिद्धार्थ होल्ड, तो देखो लॉस है 15 रुपीस का, प्रॉफिट है 50 रुपीस का, तो टोटल उसको कितने पैसे मिले, उसको मिले कितने, तो 50 में से 15 को माइनस कर दो, 35 रुपीस का प्रॉफिट हो गया उसको, 35 इतना आसान था ये क्वेश्चन, तो इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन सर आप बोल रहे थे कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ, वही तो बताना था, मतलब यार कितना प्रॉफिट या लॉस, क्वेश्चन पढ़ो ना तुम क्वेश्चन, अच्छा बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, देखो सबने रॉन्ग दिया है, सबने रॉन्ग दिया है, नहीं वो टोटल आई थिंक, एक मिनट होल्ड करना मेरे को लैंग्वेज पढ़ने दो, What is profit or loss for the month? हाँ, overall मांग रहा है कि पूरे महीने का क्या रहा उस बिजनेस का, तो we will in that case we will say it is profit of 35 rupees. Okay. सबका डाउन. Based on the same question, let us do our part 3. सर आप जरा. I'll send a line. First picture. Share. ये दिक्कत. ये देखता हूँ कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन को. यार एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग पहले ना पार्ट टू कर लो, पार्ट थ्री तुमसे डायरेक्टली होगा नहीं, पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, शेयरिंग द स्क्रीन पार्ट टू इन मे, यस सर हो रही है स्क्रीन
सर लाइन भेजूंगा अभी तो 15 का माफ कैसे ढूंढेंगे वही तो करना है Quiet guys, don't disturb others, just do it. If you don't know it, just write IDK, I'll help you. The first wale ka to half bhul chuke the kya question number 17 Anubhav Anubhav yaar mute ho jaye yaar tu kyon jaan lene pe laga hua hai bachcho ki kitne hai pen hai 15 aur pencil hai 45 yahi data hai yaar apne ko क्या चेक करना प्रॉफिट लॉस क्या है मैं स्टॉप करूं प्रॉफिट लॉस देखना भाई ओके सर 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 रुक जाइए सर रुक जाइए सर रुक जाइए क्यों इतना आसान क्वेश्चन क्या रुक जाइए सर प्लीज सर होने वाला है सर रेडी एक मिनट स्टेशन कर अनुभव 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास यस सर दो सर आपने कर दिया तो 5 सेकंड के बाद क्या सर 5 सेकंड के बाद क्या मतलब स्क्रीन शेयर कर दीजिए देखो दोस्तों क्या है कि तुम्हें पूरे महीने में उसको प्रॉफिट रहा कि लॉस रहा और कितना रहा ये बताना है तो क्या कह रहा है पेन बेचा भाई तो इस बंदे को प्रॉफिट कितना हो देखो प्रॉफिट 15 रुपीज का लॉस कितना है लॉस कितना हर एक पेंसिल पे हाफ रुपये होता है तो 45/2 हो जाएगा 22.5 इतना लॉस है इस बार लॉस ज्यादा है तो प्रॉफिट को हमेशा प्लस माना जाता है और लॉस को हमेशा माइनस माना जाता है अब देखो ये साइन अपोजिट साइंस है और मैंने क्या सिखाया वेदांत अपोजिट साइंस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट होता सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 7.5 बचेगा और साइन किसका आएगा जो बड़ा है जो बड़ा है बड़ा क्या है 22.5 तो उस बंदे को लॉस हुआ है टोटल लॉस ऑफ 7.5 रुपीस हुआ है इस महीने में हो सो मेरा यही आंसर आया था लेकिन बाकी का आंसर देख के मतलब कि मेरा वाओ सर मेरा सेम आंसर आया था लेकिन बाकी का आंसर देख के ना 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 तुमने क्या डाला उससे फर्क पड़ता है मतलब तुम दूसरों को देख रहे हो इसका मतलब तुम दूसरों को देख रहे हो भाई कर रहा था श्रेयश मनोज का आया लेकिन श्रेयश लास्ट वाली लाइन आपने कर देनी चाहिए थी नियति आपने भी किसी ने भी टोटल फाइनल आंसर नहीं दिया फाइनल आंसर नहीं दिया श्रेयांश तो शायद से क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गया है तो गया चल रही है सर आपने लॉस कैसे निकाला भाई जितनी पेंसिल बिकती है एक पेंसिल पे 50 पैसे का लॉस है हां 50 पैसे का लॉस यानी हाफ रुपए का तो अगर उस पे उसको उसने 1 पेंसिल बिकी तो उस पे 50 पैसे का लॉस है 2 पेंसिल पे 1 रुपए का लॉस है 4 पे 2 का यानी कि जो भी पेंसिल बिकी है उसको 2 से डिवाइड कर दो लॉस आ जाएगा इस बार रॉन्ग नहीं करूंगा इसको मुझे अच्छे से समझ आ गया ये तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है कर लोगे तुम लोग चलो ओके नाउ वी आर डूइंग पार्ट 3 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इसके बाद सर लेफ्ट होगा सर लेफ्ट होगा सर भी लेफ्ट होगा सर लेफ्ट होगा सर लेफ्ट होगा सर आगे सर आगे सर आगे सर आप म्यूट पे हो आप म्यूट हो सर आप म्यूट हो सर आप म्यूट हो सर क्या हो गया था अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर दो माइक अनम्यूट सर ओपन कर दो ना आंसर को सर बहुत इजी है अरे पहले स्क्रीन पर दिख रही है ना अभी तो चाहिए अरे देखते तो देखो मैं करने दे भैया नो सर सर मैंने जब किया था तब तो मेरे से आसानी से हो गया था तो हमें करने देना यार चल ठीक है अब तो रहने दो ये बन पाँच बना लिया वो बीसी है Okay guys, can I put the line now? Yes, yes sir. Sir, बस एक मिनट, नहीं sir, plus बस एक मिनट. चिल्लाया मत कर. हाँ ठीक है ना. Wait, 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 wait. Okay, I'm giving you half a minute, not even 1 minute.
फिर अब आप कर सकते हैं। ओके भाई सब लोग कंफर्टेबल है? ओके पोस्ट आंसर। यस सर। नाउ क्वेश्चन मेरा कितने बाद में जाता सर, यशस्वी को जब आ जाता है वो बोलती है ओपन कर दो, और जब नहीं आता तो सर तो कहती वेट करो वेट, वो गलत है। यशस्वी देखो बेटा, अब देखो हमें सोशल स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए आने वाले टाइम में, पता है तुम्हें सोशल स्किल कितने इंपॉर्टेंट होंगे सक्सेस के लिए। तो किसी टीम का तुम हिस्सा हो ना तो यू हैव टू केयर फॉर अदर्स आल्सो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पेन की जगह सर पेंसिल की जगह से मैंने पेन लिख दिया था, तो सर इसमें एग्जाम में मार्क्स कटेंगे थोड़े से? हाँ कटेंगे। ओके लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सी सी क्वेश्चन नंबर 3 वेट 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 गाइस, कहता है कि जून में बंदे ने 30 पेन बेचे हैं, 30 पेन हैव बीन सोल्ड, सो प्रॉफिट इज ₹30। क्यों भाई रागा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है? लेकिन पूरे महीने में ओवरऑल लॉस हो गया उसको। Sorry? पूरे महीने में, एक मिनट यार, पूरे महीने में वो बंदा लॉस में रहा। कितना लॉस रहा उसको? उसको भाई -10 मतलब ₹10 का लॉस रहा यार। ₹30 का प्रॉफिट था फिर भी ₹10 लॉस में है, कहां नुकसान हो गया उसको -₹40 का? भाई -₹40 का लॉस हुआ क्योंकि उसकी पेंसिल बिक गई ज्यादा, और पेंसिल में हर पेंसिल पे ₹0.5 का लॉस होता है। एक पेंसिल से तो एक पेंसिल पे बिकने पे ₹0.5 का लॉस है, तो ₹40 का लॉस कब होगा? जब 80 पेंसिल बिकेंगी, 80 पेंसिल। आप बताओ कैसे नहीं, आप बताओ कैसे नहीं, मैंने जो बताया पहली बात, पहली बात सिद्धार्थ इस बात में तो क्लैरिटी है ना, अपने को इस बात में क्लैरिटी है कि ₹30 उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 30 पेन बिक गए उसके तो ₹30 मिल गए उसको, लेकिन फिर भी महीने के अंत में बंदा लॉस में चला गया, -₹10 के लॉस में चला गया। इसका मतलब ₹30 ये गायब हो गए, ये गायब हो गए, और ऊपर से -10 और हो गए, यानी टोटल लॉस पेंसिल की वजह से -40 का हुआ। -40 का पेंसिल हुआ लॉस, यानी कि 80 पेंसिल बिकी। देखा ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन, मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यस सर। ना भैया सर मैंने कुछ कैलकुलेट किया सर, दो कैलकुलेट किया तुमने सर, दो पॉसिबिलिटी है सर एग्जाम के मार्क्स की सर, 21.5 आएंगे 23। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता यार, जो गलत है गलत है। ओके गाइस नाउ लिसन टू मी प्लीज, एडवाइस मी, प्लीज एडवाइस मी, और आई वांट टू आस्क यू सजेशन व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, that is a very important question sir, mera question paper karwa do sst ka, bas sst ka dekh main ek okay wait ek minute meri baat suno, anubhav sst ka question paper karne ka koi matlab nahi hota, koi matlab nahi hota sir, isse mera hi profit hoga, math ka practice ho sakta hai, sst ka to jab tumhara exam aayega us chapter ki main khud taiyari karwaunga, isko karne ka koi matlab, sir math ka karwa do, mera exam nahi karwaunga, after some time anubhav ka math ka paper karwa dunga, wo main math ओके बट 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 नहीं, अच्छा यार सुनो अब मैथ से थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ और कर लो। एक्सक्यूज मी सर, इंग्लिश भी करा दो। ओके आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट, एवरीबॉडी ऑन म्यूट, चैट बॉक्स आई एम सेंडिंग अ लाइन, प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हिच चैप्टर, म्यूट म्यूट। ठीक है हिंदी में कराऊंगा, हिंदी में करानी मेरे को, बट गिव मी लिटिल टाइम, लिटिल टाइम मैं करा दूंगा हिंदी, क्योंकि मेरे ना हिंदी की मेरे को ग्रामर की बुक नहीं मिली। श्रेयस आई वांट यू टू कीप क्वाइट, श्रेयस क्वाइट, अनुभव क्वाइट, साइंस चैप्टर 5। ओके मैं देख रहा हूँ सबका देख रहा हूँ, ओके राइट साइंस सर, मेरा तो बस हिंदी और मैथ्स का एग्जाम रह गया और संस्कृत का, फिर मेरे भी ओवर हो जाएंगे सर, मेरा सिर्फ हिंदी का पेपर बेकार गया है, बाकी सारे सही गए सर, मेरा हिंदी का बहुत अच्छा गया, मतलब सबसे अच्छा तो नियति का गया सर। अच्छा यार चुप हो जाओ यार, दो मिनट मेरे को टेक डिसीजन तो लेने दो यार, डिसीजन लेने दो, क्या कर रहे हैं मेरे को देख, सर मेरे हिंदी के मार्क्स आए हैं वो 38 out of 40 है, बहुत सर मेरे 31 है, यशस्वी के कितने हैं 30, हां यशस्वी के 30 है, और मेरे को बाकी ओके योग्य है, एक मिनट थाम्बा भाई थाम्बा, ऑल राइट गाइस हिंदी के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मेरे को हिंदी की मेरी बुक मिल नहीं रही, और मैंने मधिया को बोला मधिया आपने देखी गई ये बुक मेरे को, लेकिन उससे मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे आई नीड अ बेटर बुक, तो आज ही मैं अमेजोन पर ऑर्डर कर देता हूँ, दो दिन में आ जाएगी, परसों तक आ जाएगी, फिर हिंदी करा दूंगा। मीनवाइल
कैन वी डू साइंस? हिंदी के सबकी बुक्स अलग अलग होती है तो। अरे वो अबे भैया ग्रामर, चाचा ग्रामर सबकी सेम होती है। हाँ एक ही होती है, कोर्स बुक में तो चैप्टर ही अलग होते हैं। साइंस करवा दीजिएगा तो। वेट, साइंस का ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है। अपन साइंस में देखो अपन क्या क्या किए अभी। हमने हीट कर लिया, चैप्टर फोर हो चुका है हमारा हीट। हीट तो हो गया मैं तो बहुत तेजी में समझा सर, फोर्थ भी चैप्टर निपटा लिया तो बहुत तेज है। एसिड बेस सॉल्ट बचा हुआ है एक पहली बात। लेकिन मैथ मैं स्कूल में चल रहा है, मैथ के अंदर सिंपल इक्वेशन। उसके अलावा डेली सल्टेंस कर लें क्या, या इनसाइड आर अर्थ, रोल ऑफ गवर्नमेंट, या थ्योरी में कर लें कुछ क्या? बोलो सर, वो कर लेते हैं ना सर, इनसाइड आर अर्थ हो चुका है सर, इनसाइड आर अर्थ हो चुका है, इनसाइड आर अर्थ हो चुका है। मैं कराया क्या बाकी लोग? क्या बोले इनसाइड आया था राघव का, जब था ना राघव की वजह से करवाया था इनसाइड आर, इनसाइड आर करा लिया। यस सर, याद करिए आपने राघव की वजह से करवाया था। मेरा तो कभी भी नहीं बोल रहा था कि सर इंसाइडर अर्थ करवा दो सर, मेरे चैप्टर में आने वाला है, कोई तो कह था कि नहीं। अच्छा अनुभव, दो मिनट चुप हो जा। दोस्तों मुझे बताओ, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ एसएसटी कवर कर लेते हैं, एसिड बेस करा दूंगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत या साइंस? ओके चलो लेट्स गो विद साइंस चैप्टर 5। ओके गाइस टेल मी यस सर, एसिड एंड बेस है ना? ओके सर, एसिड एंड बेस। यस सर, वो सही है। ओके करो इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है। जेपीएस जब साथ मिल के बोलती है तो फिर वो चीज समझ आती है। ओके ठीक है दोस्तों, अपन करेंगे साइंस, साइंस का चैप्टर 5, उसके बाद हिंदी, उसके बाद सिविक्स और फिर मैथ्स। ठीक है चलो ओके, आई एम फिनिशिंग द सेशन स्लाइटली अर्ली टुडे, वी स्टिल हैव अराउंड 5 6 10 मिनट्स, गो एंड एंजॉय, वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू चैप्टर ऑफ साइंस एसिड एंड बेसिस। बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, बाय सर। अनुभव रिकॉर्डर अभी भी है, टेस्ट में आ जा। चल ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा, बाय।